सभी का स्वागत करती हूँ टीम 360 के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि हम एवरी सैटरडे संडे बहुत लोगों से यहाँ रूबरू होते हैं जो अलग अलग प्लेसेस से हमारे यहाँ फ्रेंचाइजी लेने आते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहती हूँ कि इन्होंने अपनी 2 दिन की ट्रेनिंग अब कम्प्लीट कर ली है और अब ये रेडी है अपने प्लेसेस पे जाके वर्क करने के लिए। और साथ ही इन्होंने 2 दिन की ट्रेनिंग कंप्लीट करने से पहले जब इन्होंने यूट्यूब पे पहली बार हमारा वीडियो देखा था तब इनके मन में क्या विचार थे और अब जब 2 दिन की ट्रेनिंग इन्होंने कंप्लीट कर ली है तो अब इनका क्या विचार है और ये क्या कहना चाहते हैं अपने दर्शकों को, तो जानते हैं इनके अपने एक्सपीरियंस के बारे में। अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगी अमित जी और उनकी वाइफ ममता जी को। और सबसे अच्छी बात है कि आज उनकी एनिवर्सरी है तो सबसे पहले मैं उनको हैप्पी एनिवर्सरी विश कर देती हूँ और उनको बहुत बहुत बधाई हो, वो आगे भी अपने जीवन में कामयाबी को हासिल करें। और दोनों को मैं बुलाना चाहती हूँ अपने एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए। पहली बार जब मैंने 360 के बारे में सुना था तो इससे पहले भी कुछ इंस्टीट्यूशन से मैंने देखा था कि DMIT टेस्ट के बारे में सुन रखा था, बट उस तरीके से जो दिमाग में था, जो मैंने चीज एक लेके आई थी, वो आज जब मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, होने के बाद बहुत सारी चीजें क्लियर हुई, क्या होता है ये चीज और क्यों किया जाता है, इससे क्या डेवलपमेंट आता है बच्चों के अंदर, ये चीज जानने को मिला आज हमको ट्रेनिंग के बाद। एंड इससे हमारा डेफिनेटली स्कूल भी है और बच्चों के साथ बहुत सारी चीजों पे डील करते हैं हम, तो जो डे टू डे हमने जो चीजें फेस करते हैं, हम जो प्रॉब्लम्स देखते हैं, वो इस 360 डिग्रीज में आने के बाद बहुत सारी चीजें पता चली है और होपफुली आगे हम इसको सीखने के बाद अपनी अपनी जगह पे जाने के बाद जिस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे वो अभी से हम प्लान आउट कर रहे हैं। एक चीज और मैं कहना चाहूंगी, जो टीम वर्क मैंने यहाँ पे देखा 2 दिन के अंदर, जो वाकई में टीम 360 को वो रिप्रेजेंट करता है, जो टीम वर्क है, उसके लिए मैं डेफिनेटली बोलना चाहूंगी इट्स अ वेरी नाइस टीम, थैंक यू सर। और एक एक चीज मैंने देखा कि हर टीम के हर एक मेंबर ने अपना जो एफर्ट लगाया चीजों को समझाने के लिए, जो क्लैरिटी लाने के लिए, ऐसा नहीं था कि एक आदमी ने हमें चीजें समझाई है, जितने लोग थे सबसे हमने मिला, तो कभी ऐसा नहीं होगा कि आगे कभी मिलेंगे हम तो इनको नहीं जानते या उनको नहीं जानते, हम सबसे मिले हैं, सबसे बात किया, तो एक वो जो टीम वर्क था वो एक पॉजिटिवनेस डेफिनेटली यहाँ से लेके जा रहे हैं सर। थैंक यू मैम एंड सर। इसी के साथ हम मुलाकात करते हैं कंपनी के स्टाफ मेंबर से। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी अंजू जांगिड़ जी को और जानते हैं उनके अपने एक्सपीरियंस के बारे में, साथ ही वो अपनी आई हुई फ्रेंचाइजीज को अपना क्या मैसेज देना चाहती है और हमारे द्वारा उनको क्या फैसिलिटीज दी जाती है जब वो यहाँ से फ्रेंचाइजी लेके जाने के बाद में अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। तो जानते हैं अंजू जी से उनके एक्सपीरियंस और आफ्टर सेल सर्विसेज के बारे में। थैंक यू सो मच मनीषा जी, आपने मुझे मौका दिया, साथ ही में हमारी आई वी फ्रेंचाइजी को अमित जी और ममता मैम दोनों को ही बहुत बहुत बधाई हो। उनकी एनिवर्सरी 10 साल इनके कंप्लीट हो चुके हैं और इसी तरह से मैं चाहूंगी कि 75 साल 100 साल ये कंप्लीट करें और साथ में मिलके जो है इस बिजनेस को भी उतना ही आगे लेके जाए। और उसमें जो है जैसे मैम ने कहा कि आप अपना क्या एक्सपीरियंस या क्या जो है आप दे उनको बताना चाहेंगी, सजेशन देना चाहेंगी, तो मेरा सिर्फ एक ही सजेशन है मैम, जो चीज आज आपने सीखी ये कभी भी इस तरह से मत सोचिएगा कि बाद में करेंगे, बाद में नहीं, कल से ही आपको सुबह से ही जो है आपको ये शुरुआत करनी है। रोज DMIT के बारे में नई जानकारी लेनी है, उसकी अपने सब्जेक्ट की नॉलेज आपको बढ़ानी है, मिडविंग का वर्कशॉप जो है जैसे मैम ने कहा खुद के घर से ही सीखना है, तो पहली टीचिंग अब हमने बच्चों को ही दीजिए, अपने बच्चे तैयार होंगे तो आप कॉन्फिडेंटली बोल सकेंगे कि हम जो है इस लेवल का रिजल्ट निकाल सकते हैं, लोग आप पे फेथ करेंगे। जैसे कि हम बोलते थे कि हम स्कूल्स में चुके हैं इसलिए हम आपको कॉन्फिडेंटली इतना बोल सकते हैं कि हम मार्केटिंग सपोर्ट देते हैं क्योंकि वो चीज हमने फेस की है, सारे डाउट्स हम लोग क्लियर कर चुके हैं तो जाके वो सक्सेसफुली हम कर चुके हैं, इसलिए वो चीज हम आपके साथ शेयर करते हैं। आफ्टर सेल सर्विसेज की अगर मैं बात करूं
तो हम बहुत तरह के आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि आज से शुरुआत कर लेते हैं। अब आज जाने के बाद में लैपटॉप से रिलेटेड जो है काफी चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे कि कौन सी चीज कहाँ पे है, कोई फिंगर प्रिंट इश्यू आ रहा है, स्कैनर किस तरह से अटैच करना है। एक तरह से माइंड में सारी चीजें ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो आप दो दिन में, क्योंकि नई चीजें नई टेक्नोलॉजी है, समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो टेक्निकल कोई इश्यूज आता है तो आप डायरेक्ट जो है मेल से या फिर व्हाट्सएप के थ्रू कोई भी चीज आप हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही में जैसे मैम तो खुद जो है एक स्कूल की ऑनर है, तो आप दूसरी स्कूल्स में भी जाइएगा, लोगों को भी बेनिफिट दीजिएगा, लेकिन किसी से अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, खुद की स्कूल से शुरुआत करें। तो हम तो उम्मीद करेंगे जल्द से जल्द आप हमारा सपोर्ट लें और अपने स्कूल में एक अच्छा सा जो है सेमिनार ऑर्गेनाइज करें, जिसके लिए आप हमारी हेल्प ले सकते हो। हमारी तरफ से टीम भेजी जाएगी, जब तक आपके बच्चे रेडी नहीं होते हैं तो हम बच्चे भी भेजेंगे, ताकि वहां के लोगों को जो है इस चीज पे फेथ हो सके, वो भी अपने बच्चों का DMIT मिडब्रेन एक्टिवेशन करवा सके। साथ ही में जो है काउंसलिंग से रिलेटेड कोई चैलेंज आता है, वर्कशॉप से रिलेटेड कोई चैलेंज आता है, तो ममता मैम अमित सर आपको पूरा सपोर्ट दिया जाएगा। जिस तरह से आप दोनों एक दूसरे का साथ लेके चल रहे हैं, उसी तरह से कंपनी भी जो है आज से आपके साथ जुड़ चुकी है। तो फिर से मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। टीम 360 आपके सहयोग के लिए हमेशा हाजिर है। थैंक यू सो मच। थैंक यू अंजु मैम, आपने बहुत ही अच्छे से हमारी कंपनी की USP आफ्टर सेल सर्विस के बारे में एक्सप्लेन किया। इसी के साथ ही मैं मुलाकात करवाना चाहूंगी आपकी डॉक्टर NK सर से। आइए सर, बताइए अपने एक्सपीरियंस के बारे में। थैंक यू मनीषा जी, सबसे पहले तो हमारे जो आईवे फ्रेंचाइजी है उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि तिदूर साहे दो दिन मन लगा के काफी इंटेंसिव उन्होंने ट्रेनिंग ली है, और मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरह से उन्होंने अपना एनिवर्सरी साथ मनाया वैसा आगे भी कार्यक्रम दोनों मिलकर सफलतापूर्वक चलाएंगे। इसके लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। सिंस आई हैव बीन एसोसिएटेड विद द स्कूल्स, so certainly I would like to share my experience that this is really very 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 fantastic program. Each and every child is getting benefited, as I have seen in my experience that all around 290 students were benefited. Their DMIT report was prepared, their counseling was done in time by Team 360, and each and every child got say improvement in their academics, their especially their personality got developed, and they were able to come to stage and have interaction with the unknown people very comfortably. All these benefits I have seen. And one more thing I want to emphasize here, that in Japan around 25 years back, the midbrain was conducted on 18,000 students. After 20 years, when again the survey was conducted, each and every person has become multi-millionaire. So if that thing can happen in Japan, why not in India? So we are pressurizing our government to enact a bill so that each and every school must be made compulsory that the DMIT report should be conducted at the time of admission, so that the child can be imparted education in a specific way for which the child deserves. Thank you very much. थैंक यू NK सर। इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी हमारी कंपनी की मार्केटिंग मैनेजर संध्या जी को। जानते हैं उनके अपने एक्सपीरियंस के बारे में, साथ ही वो अपनी IV फ्रेंचाइजीज को अपना क्या मैसेज देना चाहती है। थैंक यू मनीषा मैम, और सबसे पहले मैं हमारी फ्रेंचाइजीज को, उनकी आज एनिवर्सरी है तो उनको मैं बधाई देना चाहूंगी। प्लस मैं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए मैं बोलना चाहूंगी कि अब उन्होंने अपनी जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट कर ली है, उनका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा जैसा कि उन्होंने बताया, तो अब वो अपने प्लेस पर जाकर के इस वर्क को स्टार्ट करने के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हो चुके हैं। तो मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। थैंक यू। थैंक यू संध्या जी। इसी के साथ मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ विनय जी को कि आप अपनी IV फ्रेंचाइजीज को अपना क्या मैसेज देना चाहते हैं, साथ ही अपने एक्सपीरियंस के बारे में। थैंक यू मनीषा जी, सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा आप सब दोनों को। साथ ही साथ में मैं बस एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगा कि जैसे भी आप यहाँ से जाएंगे तो सिर्फ 3 काम आपको करने हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो अपना 1 साल जो है आप प्लान करें इस बिजनेस में कि आप 1 साल में कैसे इसको कर सकते हो, कैसे आपको जाना है वहां पे हमसे डिस्कस करके। साथ ही साथ में आपको अपनी नॉलेज को डेली इम्प्रूव करना है इन दोनों कॉन्सेप्ट को लेके, तो डेफिनेटली आप बहुत जल्दी इसमें ग्रो कर पाओगे। और सबसे बेसिक चीज आपको मास पे काम करना, राइट, जैसे कि आप ज्यादा से ज्यादा स्कूल्स, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको टच करें ताकि आपके पास रिजल्ट भी ज्यादा से ज्यादा निकल के आए।
दैट्स इट। बस मैं यही कहना चाहूंगा, इन तीनों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप बहुत जल्दी इस बिजनेस में ग्रो करते हुए देखेंगे अपने आप को। थैंक यू। थैंक यू विनय सर। इसी के साथ मुलाकात करते हैं सपना जी से और जानते हैं इनके अपने एक्सपीरियंस के बारे में, साथ ही वो कंपनी की तरफ से हमारी आईवी फ्रेंचाइजीज को कैसे वेलकम करती हैं और उनको कैसे कॉन्ग्रेचुलेट करती हैं। थैंक यू सो मच मनीषा मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हमारी आईवी फ्रेंचाइजी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। ये अपने प्लेस पे जाके ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभान्वित करें। धन्यवाद। थैंक यू सपना मैम। इसी के साथ मुलाकात करते हैं खुशबू जी से। इन्हें अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है कंपनी से जुड़े हुए, ओनली 1 मंथ हुआ है। जानते हैं इनके अपने एक्सपीरियंस के बारे में। थैंक यू मनीषा मैम। हमारी यहाँ जो फ्रेंचाइजी है उनको मैं सबसे पहले बहुत सारी शुभकामना देना चाहती हूँ, साथ में उनको उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। मुझे टीम 360 से जुड़कर बहुत सारा बहुत खुशी मिल रही है, साथ में बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू खुशबू जी। इसी के साथ मुलाकात करते हैं विपुल शर्मा जी से, जो मेंबर ऑफ मैनेजमेंट कमेटी है, जो हमारे डायरेक्टर सर है। जानते हैं उनसे मार्केटिंग के बारे में कि वो मार्केटिंग में कैसे हमारी फ्रेंचाइजीज को हेल्प करेंगे। आप सभी को नमस्कार जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी मौका दिया मुझे आप सभी लोगों से मुखातिब होने का। और जो छत्तीसगढ़ से यहाँ पे हमारे फ्रेंचाइजी आए हुए हैं अमित जी एंड ममता जी, तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपके जीवन के आपने जो 10 वर्ष अपने पूरे कर लिए, सालगिरह आपकी, तो बहुत बहुत बधाई हो। और भगवान करे आप 100 वर्ष तक जिए, 200 तक जिए, मैं कहीं रोक दूंगा कि 100 वर्ष तक जिए तो बिना मतलब मैं क्यों बोलूं 100, क्या पता 1000 वर्ष जी जाते इसलिए खूब जिए, खूब एंजॉय करें। और सबसे अच्छी बात यह कि ऐसा बिजनेस इन्होंने एजुकेशन का लिया है, यहाँ पे हस्बैंड वाइफ का साथ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी का जो माहौल जिस तरह का है ना, देखिए दोनों बातें, चूंकि बच्चों से मुखातिब होना होता है, बच्चों से काम है, तो वैसे भी लेडीज बहुत कंफर्टेबली इस कार्य को करती है, बच्चे बहुत जल्दी उनसे रिलेट करते हैं, वैसे भी बहुत प्योर हार्टेड सॉफ्ट हार्टेड होती है, तो बहुत ईजी वे में बच्चे उनके साथ रिलेट कर जाते हैं। सेकेंड, पेरेंट्स को भी रहता है कि अच्छा लेडीज है ना यहाँ पे, तो हमारे बच्चे सेफ है, वी आर हैप्पी। तो वैसे भी आजकल का माहौल भी थोड़ा सा ऐसा है, ऐसे कंडीशन के अंदर जेंट्स और लेडीज अगर साथ में काम करें तो बेटर है, क्योंकि लेडीज अगर वहां पर बैठी हुई हैं तो लोगों को लगता है कि ठीक है हमारे बच्चे सेफ हैं और उनकी सारी जो भी चिंता है वो चिंता उन्हें करने की जरूरत महसूस नहीं होती है। और लेडीज पे फेथ बहुत होता है, कोई भी व्यक्ति के दिमाग में खर्चा करता है ठीक है ना यार वो तो लेडीज वहां पे वर्क कर रही है तो ज्यादा बेटर ढंग से उसको संभाल सकते हैं, ये ऐसा लोगों के दिमाग में इमेज आता है। क्यों आता है, क्योंकि वो केयरिंग नेचर की होती है, इसलिए ऐसा नहीं है कि जेंट्स होते नहीं है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू बच्चे तो बच्चों के ऊपर तो ये चीज बहुत इजी वे में कि अगर लेडीज वहां पे काम करी तो बहुत अच्छे वे में किया जा सकता है। इसलिए मैं बहुत बधाई देता हूँ कि दोनों मिलके इस कार्य को कर रहे हैं, ऑलरेडी स्कूल रन कर रहे हैं, तो मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ कि इस काम में पहले से ही पारंगत हैं, हमें सिर्फ दिशा देने की जरूरत है, दैट वी डिड। और दूसरी बात, इतनी दूर से कहां, छत्तीसगढ़ से यहाँ आए, अभी यहाँ से 200 किलोमीटर दूरी पे -3 डिग्री टेम्परेचर है, तो इतनी ठंड में ये लोग इतनी दूर से ट्रेवल करके आए, और कल शायद इनकी मॉर्निंग में 8 बजे की ट्रेन है, तो भाई मैं तो इनकी हिम्मत की दाद देता हूँ, और मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार इनके लिए क्लैप किया जाए, इतनी दूर से इतना कष्ट उठाकर आए हैं। तो जितने भी व्यूअर्स दोस्तों और वॉचिंग जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप सभी से गुजारिश है कि यार देखो इन्होंने इतना स्टेप लिया, ठेठ छत्तीसगढ़ से राजस्थान आ गए, तो आप सभी से गुजारिश है कि देखिए इन लोगों ने इतना स्टेप आप ही लोगों के लिए लिया है, तो जितने भी पेरेंट्स हैं जो छत्तीसगढ़ के, आप सभी से मेरी गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों का आप इस प्रोग्राम में एडमिशन कराएं और आप स्वयं का भी फिंगरप्रिंट कराएं, क्योंकि ये कोई भाग्य बताने जैसा नहीं है, हम भाग्य नहीं बता सकते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, मैं हर बार ये वीडियोस में चीज कहता हूं, हम क्या कहते हैं, किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो डॉक्टर क्या कहता है, एक्सरे कराओ, एक्सरे में या हेयर लाइन फ्रैक्चर तो डॉक्टर क्या कहता है, प्लास्टर करा लो, तो उसने एक्सरे तो किया है जिससे वो वीकनेस पता चली और उसने ठीक कर दी, तो हम कोई भाग्य नहीं देख सकते हैं, हम वो वीकनेस और स्ट्रेंथ बताते हैं, उसके बेसिस पे करियर में हम गाइड करते हैं। तो इन लोगों ने ये डिसीजन लिया है जिससे आप लोगों को भी ये सक्सेस आराम से मिल सकती है, इस फील्ड के अंदर आप आगे जा सकते हैं, अपने DMIT टेस्ट को करके अपने करियर में बहुत आगे जा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसा कि मुझे कहा गया है मार्केटिंग पे बात करने का, तो मैं बताऊं, देखिए ऐसा मार्केटिंग हर चीज के अंदर मार्केटिंग है, आज की डेट में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो बगैर मार्केटिंग के बिकती है, ठीक है। तो और मैं कई बार, तो चूंकि अब न्यू ईयर आने वाला है, अभी 2 दिन पहले जो है 25 दिसंबर को भगवान ईसा मसीह का जन्मदिन दिवस है, उसको लोगों ने सेलिब्रेट किया है, उन्होंने अपनी पुस्तक ऑगमेंडिनो की लिखी हुई एक बुक है द ग्रेटेस्ट सेल्समैन ऑफ द वर्ल्ड, उसमें उन्होंने बात स्पष्ट रूप से लिखी है उस बुक
बुक के अंदर वो जो किताब लिखी गई है, जो स्टोरी लिखी गई है, उसमें यही दिखाया गया है कि एक सेल्समैन जो बहुत जबरदस्त सक्सेसफुल सेल्समैन है, बहुत जबरदस्त सफलता उसने अपने जीवन में हासिल करी है सेलिंग के थ्रू, और वो अपने ऑलमोस्ट काफी बुजुर्ग हो चुके हैं, उम्र हो चुकी है, ऐसे में ईसा मसीह उन्हें दर्शन देके ये कहते हैं कि तू कोई नया कैंडिडेट तैयार कर और उसको अपना ये नॉलेज ट्रांसफर कर, क्यों? क्योंकि आने वाला टाइम ऐसा है जहां पे मेरा ये नॉलेज जो है ना, इसकी भी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसकी भी मार्केटिंग करनी पड़ सकती है, इसलिए तू ऐसे कैंडिडेट तैयार कर। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि मार्केटिंग की जरूरत आज की डेट में सब जगह है। और यहाँ पे देखिए मार्केटिंग कितनी चीजें कवर करता है, मैं कभी भी ऐसा नहीं कहता कि किसी एक कंटेंट से आपकी मार्केटिंग हो जाती है, सारी चीजों का समावेश होता है। आप कैसे कपड़े पहनते हो वो भी मार्केटिंग का पार्ट है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल वो भी मार्केटिंग का पार्ट है, हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ इज इंपॉर्टेंट, आप कैसे बैठते हो वो भी मार्केटिंग का पार्ट है, सामने वाले को कितना सुनते हो वो भी मार्केटिंग का पार्ट है। तो मार्केटिंग पूरा एक पैकेज है, इसलिए उस पैकेज का ध्यान रखना है जिसको मैं कंटेंट वाइज बता रहा हूँ। जिनको थोड़ा सा ध्यान में रखते हैं तो आपकी मार्केटिंग बहुत अच्छे से होती है और आपका प्रोडक्ट आप बहुत सक्सेसफुल आगे सेल कर सकते हैं, बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं। पहला, यहां से जा रहे हैं एक महीने तक जम के अभ्यास करें और सब्जेक्ट पे कमांड हासिल करें, क्योंकि जब तक सब्जेक्ट का नॉलेज और उस पे कमांड हासिल नहीं होगा तब तक मार्केटिंग करना संभव नहीं है। मार्केटिंग केवल तब संभव है जब आपका सब्जेक्ट पे जबरदस्त नॉलेज और जबरदस्त कमांड है। पॉइंट नंबर टू, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, हिंदी भी और इंग्लिश भी, दोनों पे प्रयास रहे। क्यों? क्योंकि कई जगहों पे इंग्लिश की जरूरत पड़ सकती है, कई जगहों पे हिंदी जरूरत है। हम हिंदी भी ऐसी जो तो हमारी मदर टंग है, लेकिन हम ऐसी हिंदी बोलते हैं जो साफ शुद्ध हिंदी हम नहीं कह सकते। तो आप सभी से गुजारिश है, क्योंकि हम एजुकेशन फील्ड में, तो हमसे ये अपेक्षा की जाती है कि हमारा तो भाषा का जो संकलन है शब्दों का, जो हमारी लैंग्वेज है, वो अच्छी होनी चाहिए। तो हिंदी और इंग्लिश पे अपना कमांड हासिल करें। उसके अतिरिक्त टू मेक पीपल अंडरस्टैंड, सामने वाले को चीज समझा सको, ये भी मार्केटिंग का हिस्सा है, कम्युनिकेशन स्किल्स का है, कि अगले के मैसेज पहुंचे तो सही दिमाग में जो आप मैसेज देना चाह रहे हो, तो उसके लिए क्लैरिटी ऑफ वॉइस होना चाहिए एंड ऑल, वो सारी चीज कवर हो। उसके अलावा, ये सारी चीज के अलावा एक चीज और है जो बहुत महत्वपूर्ण है इसके अंदर, वो थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन आपके मतलब की है। देखिए, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा है, आपका सब्जेक्ट पे भी कमांड है, आपकी सारी चीज अच्छी है, लेकिन आप एथिकली कोई चीज नहीं कर रहे, झूठ का उपयोग कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे सक्सेस नहीं है। ये सारे मार्केटिंग के पार्ट है। मार्केटिंग सक्सेस होता होता है जब इन सारी चीजों का उसमें समावेश होता है। तो मैं जितने भी लोग दोस्त और वॉचिंग मी, उन सभी से गुजारिश है, कोई भी प्रोफेशन में हो, इन सब चीजों का विशेष ध्यान में रखें। अगर एथिकली नॉलेज नहीं है और जबरदस्ती कर रहे हो, तुक्का लगा रहे हो, रिपोर्ट की काउंसलिंग जबरदस्ती कर दी, नॉलेज नहीं है, तो बहुत गलत है। इसलिए मार्केटिंग करना है, आप कोई भी फील्ड में हो, अगर ये जो मैंने कंटेंट बताए इनका ध्यान में रखते हो तो बहुत एक्सट्रीम पे सक्सेसफुल रहते हो। दूसरा, यहां पे मार्केटिंग के अतिरिक्त आफ्टर सेल्स सर्विस भी इसी का पार्ट है। आफ्टर सेल्स में जितने भी लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं या जो ये फ्रेंचाइजीज यहां से जा रही हैं, आप सभी के लिए हम ही हमारी तरफ से आपको विश्वास दिलाते हैं। आप जाके हमारे स्कूल में अपॉइंटमेंट लीजिए, अपॉइंटमेंट के बाद में कंपनी 6 महीने तक आपको सपोर्ट करती है। कंपनी के जो भी एग्जीक्यूटिव्स हैं वो आते हैं आपके लिए, वो स्कूल के डायरेक्टर से बात करना, उनके आगे डेमोन्स्ट्रेशन करना, पेरेंट्स के आगे डेमोन्स्ट्रेशन करना, वहाँ क्लास कंडक्ट करना, फीस कलेक्ट करना, रिजल्ट निकालना और बच्चों को टीवी पे भेजना, ये सारी जिम्मेदारी कंपनी की तरफ से होती है। बशर्ते मान लीजिए वह 500 बच्चे और 85 एडमिशन आए और आपने केवल 3,000 रुपये फीस लिया, तो 1,50,000 रुपये आ रहे हैं और सारा पैसा आपका है, कंपनी उसमें आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करती है। हम बस ये कहते हैं हमारा एग्जीक्यूटिव आपको इतनी हेल्प करने के लिए आ रहा है, तो उसके आने जाने और रहने की व्यवस्था करते हैं, उसके अतिरिक्त हमें आपसे कोई भी आर्थिक जो है हम किसी तरह का प्रॉफिट आपसे चार्ज नहीं करते हैं। और इसी के साथ में अंत में एक बार फिर से मैं जो है हमारे फ्रेंचाइजीज को बधाई देता हूं, आई विश यू ऑल द बेस्ट, और आप जम के काम करें, जबरदस्त सफलता प्राप्त करें, आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। इसी के साथ अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर अंजलि अजाड़ीवाल जी को, कि आप आइए और हमारी फ्रेंचाइजीज को आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहती है और आप अपना क्या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती है। आप सभी को मेरा नमस्कार, और हमारी आज की फ्रेंचाइजी अमित जी, ममता जी दोनों को मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी और धन्यवाद देना चाहूंगी। पहले तो आप लोगों की एनिवर्सरी है, तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन एंड हैप्पी एनिवर्सरी। और बहुत सही समय पे आप लोगों ने डिसीजन लिया, एक कदम आज आपने कंपनी के साथ बढ़ाया है, 4 कदम कंपनी आज आपके साथ बढ़ाने को तैयार है। जाने से पहले मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि यहाँ से जाने के बाद में सबसे पहले अपने सब्जेक्ट पे कमांड बनाएं, अपने सब्जेक्ट पे कमांड बनाने के बाद में अपनी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस कंप्लीट करने के बाद में एक विजन से
अपने इस काम की शुरुआत करें। आज टीम 360 ने भी अपना 20 साल का एक विजन प्लान बना रखा है और विजन डॉक्यूमेंट के आधार पे ही टीम 360 काम करती है, इसीलिए आज पूरे ऑल ओवर इंडिया में टीम 360 सक्सेसफुली है। तो इसी तरह आप भी अपने प्लेसेस पे जाने के बाद में अपना एक विजन बनाएं, विजन के साथ में अपने इस नए काम की शुरुआत करें। अंत में अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगी और आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूं। थैंक यू।